सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम अध्याय शुरू करने से पहले एक कविता सुनेंगे, तो आइए कविता शुरू करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? आपको कविता सुनने में आनंद आया? बच्चों, कविता में बनाती, लाती, भर लाती, जाने देंगे, भर देंगे शब्दों से किसी काम के करने का बोध हो रहा है या पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है। क्या आपको पता है इन सब शब्दों को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चों, इन सब शब्दों को व्याकरण की भाषा में हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक से अध्याय 12 क्रिया के विषय में जानेंगे। बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा झूला झूल रहा है। बच्चों, इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है? इस वाक्य में झूलने का कार्य हो रहा है। आपने भी झूला झूला है ना? रवि पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ने का कार्य हो रहा है। अभी आप भी तो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने का कार्य कर रहे हो ना? इसी प्रकार सरिता लिख रही है। बच्चों, इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है? इस वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है। अभी आप भी तो पढ़ने के बाद लिखोगे। सुमन खाना खा रही है। इस वाक्य में खाने का कार्य हो रहा है। अभी पढ़ाई करने के बाद जब लंच होगा तो आप भी तो खाना खाएंगे, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के अन्य शब्द बनते हैं, जैसे ख धातु से क्रिया शब्द बना है खाना, खाऊंगा, खाया, खाएंगे आदि। इसी प्रकार पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे आदि। चल धातु से चलना, चलो, चलूं, चलेंगे आदि। बच्चों, क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। नंबर एक अकर्मक क्रिया, नंबर दो सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है, इसके विषय में हम विस्तार से कल पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं।
नंबर एक, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। नंबर दो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आज का हमारा गृह कार्य क्रिया किसे कहते हैं। धन्यवाद।